नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ई कक्षा में मैं बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं पहले अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी को कि आपने हमारी जीए की जो पहली वीडियो निकली है, जीके को भी बोल सकते हैं आप, कई एग्जाम में उसे जीए बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, कई में जीएस बोलता है जनरल स्टडीज़, तो आपने लोगों ने उसको काफ़ी सराहा है, थैंक यू सो मच। तो उसी एंथुसियाज्म को साथ लेते हुए आज हम इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हम पहला टॉपिक इंग्लिश की सीरीज़ में करेंगे वो है टेंसेस। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है ना कि लोगों को टेंसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बोलने में, तो हम टेंसेस से शुरू करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा और आप मान के चलिए कि क्वालिटी अश्योर्ड होगी, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी का भी जो एग्जाम होता है वो कैट लेवल से भी ऊपर की इंग्लिश आप कह सकते हैं उसमें आती है, नहीं तो कैट लेवल की तो होती ही होती है उसमें। इवन उसमें भी मेरे 30 में से 26 पॉइंट समथिंग थे। तो इस बार वैसे बोल भी रहे हैं शायद आरबीआई में थोड़ा सा जो है कोई मॉडरेशन भी हुआ था शिफ्ट टू में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मॉडरेशन भी हुआ हो तो भी मेरे 26 पॉइंट समथिंग बने हैं, यानी कि हो सकता है वो 26 पॉइंट से ज़्यादा ही होंगे क्योंकि शिफ्ट टू के मार्क्स थोड़े से कटे हैं। तो खैर, जो भी है 26 पॉइंट समथिंग नंबर कम नहीं होते हैं, तो आप क्वालिटी के प्रति अश्योर्ड रहिए। अब आप जिनकी जो पिक देख रहे हैं अपनी अपनी स्क्रीन्स पर, तो उनको जो है अगर मैं उनका नाम लूँ तो मुझे लगता है उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अच्छा, मैंने इनकी फ़ोटो क्यों लगाई, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो तो नहीं है। देखिए, इनकी फ़ोटो इसलिए लगाई है क्योंकि इनका एक बार इंटरव्यू आया था जिसमें इन्होंने बोला था कि ये क्योंकि हिसार से थे, हरियाणा से, और वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़े थे, तो ये बोल रहे थे कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े थे, तो स्टार्टिंग में जब ये आईआईटी में गए तो इनको बहुत दिक्कत आती थी कि वहाँ सब लोग जो है इंग्लिश में बात किया करते थे, लेकिन फिर इन्होंने जो है अपनी मेहनत से इम्प्रूव किया और आज आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको जो है ना हिच, जो अंदर की हेजिटेशन होती है, उसको आपको साइड में रखना होगा और उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इंग्लिश कोई ऐसा तोप नहीं है, हम हर लैंग्वेज, हर बच्चा जो होता है वो बोल चाल से ही सीखता है, उसको फिर थोड़े से रूल्स पढ़ाए जाते हैं और उसमें फिर वो लैंग्वेज में परफेक्ट हो जाता है, जैसे आप सभी लोग अपनी अपनी मदर टंग में, ठीक है। तो इंग्लिश भी हम ऐसे ही सीखेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही सिंपल, जीरो लेवल से चलेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, देखिए, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स आइदर द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन एक्शन, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि टेंस क्या होता है। देखो, टेंस एक वर्ब का फॉर्म है। वर्ब क्या होता है, देखो, क्रिया शब्द होते हैं ना, जो क्रिया, कोई काम हो रहा है तो इंडिकेट कैसे किए जाते हैं, वो वर्ब के थ्रू किए जाते हैं। जैसे गोइंग, मैं बोलूं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो गोइंग क्या हुआ, वो वर्ब हो गया, ठीक है। तो हम वर्ब्स वाले चैप्टर में बेहद ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप सोचिए कि वर्ब एक क्रिया शब्द होता है, ठीक है। आई एम गोइंग, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग इसमें वर्ब हो गया, ठीक है। तो टेंस वर्ब का ही फॉर्म है जो हमें ये बता रहा है कि या तो वो हमें एक चीज ये बताएगा कि टाइम क्या है एक्शन का, यानी कि ये कब हुआ था, ठीक है, मतलब पहले हो चुका है या होने वाला है, ठीक है, या स्टेट ऑफ द एक्शन, यानी कि ऐसा रोज होता है, ठीक है, जैसे अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, ठीक है, तो वो तो हमेशा करती है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो या अगर मैं बोलूं कि ये ऐसा सैटेलाइट चंद्रमा पे पहुंचा था, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमें बता रहा है टाइम ऑफ एक्शन कि 1960 ईस्वी में इतना ये सैटेलाइट इस जगह पे पहुंचा था, ठीक है। और फिर होता है स्टेट ऑफ एन एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन मतलब कि अगर, तो देखिए, मैं बोलूं कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया, ठीक है, तो मतलब होमवर्क हो गया, मैं बोलूं मेरा होमवर्क हो गया, ठीक है। एक मैं बोलूं कि मेरा होमवर्क हो रहा है, या जैसे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, तो मैं बोलूं मैं वीडियो बना रहा हूं। और दूसरा क्या है, जब मेरी वीडियो बन जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी वीडियो बन चुकी है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमें स्टेट ऑफ एक्शन पता लग रहा है कि वीडियो बनाने का जो स्टेट ऑफ एक्शन है, इसमें बन रही है, इसमें बन चुकी है, ठीक है। तो ये जो है, ये टेंसेस से हमें पता चलता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे पता चलता है। देखिए, ही गोज टू द लाइब्रेरी डेली, यानी वह लाइब्रेरी
रोज जाता है ठीक है, मतलब रोज का ये काम हो रहा है ठीक है। आई हैड रिटन अ बुक, मैंने ये बुक लिखी थी, अब नहीं लिख रहा हूं ये बुक, या आगे ये बुक नहीं लिखूंगा, मैंने ये बुक लिखी थी, यानी ये पास्ट में हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है ठीक है। आई विल गो टू द यूनिवर्सिटी, यानी मैं भविष्य में यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। विल, अभी नहीं गया हूं मैं, ना अभी जा रहा हूं, ना पहले कभी गया था, बट आने वाले समय में जाऊंगा ठीक है। टेंसेस के ना तीन प्रकार होते हैं ब्रॉडली। पहला होता है प्रेजेंट टेंस ठीक है, वर्तमान काल। फिर होता है पास्ट टेंस ठीक है, पास्ट टेंस भूतकाल ठीक है। और फिर आता है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल, आगे भविष्य में जो होने वाला है। इसकी वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इसकी फर्दर सब टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ये क्या चीज है? देखो मैं आपको पहली चीज बता दूं कि रटने की जरूरत नहीं होती। क्या होता है, क्योंकि आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे सवाल, वो सेंटेंस के जो है करेक्शन आएगा या एरर स्पॉटिंग आएगी, या आप मेंस में यूपीएससी के या जुडिशरी के या किसी और एग्जाम के आप मेंस में अगर आंसर लिखेंगे तो आप सही टेंस में लिख सकें, आपको उतना आइडिया होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस वो डिफाइन करता है, या तो वो हैबिट डिफाइन करेगा ठीक है, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं। आई रीड द हिंदू न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज द हिंदू अखबार को पढ़ता हूं ठीक है, ये हैबिट है ना, रोज पढ़ता हूं ठीक है। जैसे अब कई लोगों की हैबिट होती है कि वो रोज जो है शराब पीते हैं ठीक है, तो बुरी हैबिट होती है, लेकिन हमें तो हैबिट करना है, हैबिट चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जो भी है, तो वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के द्वारा बताई जाती है। इसे प्रेजेंट प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। कैसे? ये देखिए, इसमें गो वर्ब है, आई गो टू स्कूल ठीक है। फिर आता है जी कस्टम। कस्टम क्या होता है? कस्टम होता है प्रैक्टिसेस ठीक है, जैसे कि खासकर रिलीजियस प्रैक्टिसेस या सोशल प्रैक्टिसेस जो होती है ना, जो लोग अक्सर करते आ रहे हैं ठीक है, वही चीज अगर हम रोज करते हैं, वही चीज रोज या जनरली करते हैं जो लोग, उसको क्या बोलते हैं हम? कस्टम। जैसे हिंदूज वर्शिप देयर गॉड्स इन द टेम्पल्स, हिंदू लोग जो हैं वो मंदिर में जाके अपने भगवानों की पूजा करते हैं। तो यहां वर्शिप जो है कौन सी फॉर्म में लिखा है हमने? वर्ब की हमने लिखा है प्रेजेंट टेंस में लिखा है, इसका टेंस प्रेजेंट है। वर्शिप जनरली हिंदूज टेम्पल्स में जाके करते हैं ठीक है। और आप कहेंगे कि सर को तो इंग्लिश आती नहीं, क्योंकि हमने तो क्लास में पढ़ा था अपनी छोटी क्लास में कि गॉड का जी बड़ा आता है। देखिए आपने गलत नहीं पढ़ा था, आपने सही पढ़ा था। गॉड जो हम अकेला लिखते हैं तो उसका जी बड़ा आता है, परंतु अगर हम गॉड्स लिखते हैं तो जी छोटे लेटर्स में आता है ठीक है। तो इसमें ये बड़ा आएगा, परंतु जब गॉड्स लिखेंगे तो जी छोटा आएगा दोस्तों ठीक है। फिर प्रैक्टिस, भाई क्या प्रैक्टिस होती है? जो रेगुलरली होती है, जैसे सभी लॉयर्स को विंटर के मंथ में एक गाउन डालना होता है, वो लंबा सा कोट डाला होता है ना, वो तारीख में तारीख, आप सभी ने वो देखा होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो जो सनी देओल वाला है, तो उसमें उन्होंने लंबा सा गाउन जो डाला होता है ना। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक लॉयर हूं, मैंने बीए एलएलबी ऑनर्स करी है, ऑनर्स मेरी इंग्लिश में है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में रिपीटेड एक्शन, जैसे मैं बोलूं कि मैं रोज फुटबॉल की प्रैक्टिस करता हूं, आई प्ले फुटबॉल डेली, या आई राइट एन एसे डेली। अब कोई लड़का मान लो अपनी इंग्लिश सुधारने की कोशिश कर रहा है ऐसे, या उसको यूपीएससी की तो वो तैयारी कर रहा है, तो वो कहता है कि मेरा मेंस का पेपर है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे को डेली लिखना शुरू करता है। तो ये रिपीटेड एक्शन है ना, हालांकि ये कस्टम नहीं है। अब सारे यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे लोग रोज डेली ऐसे नहीं लिखते, पर इस आदमी के लिए अभी फिलहाल के लिए रिपीटेड एक्शन है ठीक है। ये हमेशा भी आगे नहीं करेगा, जब पेपर दे लेगा उसके बाद डेली थोड़ा ना करेगा, लेकिन अभी के लिए रिपीटेड एक्शन है। तो आई राइट एन एसे डेली, मैं रोज एक निबंध लिखता हूं। फिर परमानेंट एक्टिविटी या यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? जो हमेशा, जो ऐसा चीज है जो अटल सत्य है, हमेशा हमेशा के लिए सत्य है, जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के आले द्वारे चक्कर काटती है, ये तो काटती है, हमेशा की बात है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि काटती है, कोई इसे डिनाई थोड़ी कर सकता है, डिनाई तो मूर्ख ही करेगा, अदरवाइज तो कोई नहीं करता, बाकी तो सभी यही बोलते हैं कि पृथ्वी जो है सन के आरे द्वारे चक्कर काटती है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। या सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है।
अच्छा परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी या यूनिवर्सल ट्रुथ में हम बोल सकते हैं चेयर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, जो कुर्सियां होती हैं वो नॉन लिविंग होती है, यानी लिविंग थिंग नहीं होती, जीती नहीं है ये, चेयर सांस थोड़ी ना लेती है, कुर्सियां सांस नहीं लेती, रिप्रोड्यूस नहीं करती, खुद ब खुद शिफ्ट नहीं होती, चल नहीं सकती, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस जो है, अब ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट को भी डिनोट करने में काम आता है कई बार, ठीक है। हिस्टोरिकल प्रेजेंट क्या चीज है, ये देखिए समझना बहुत बहुत अहम है हम लोगों के लिए। देखो हम कई बार कहानी सुनाते हैं, मान लो मैं आपको कहानी सुनाता हूं, ठीक है, मैं बताता हूं कि जी कोई, मैं कहानी सुना रहा हूं मान लीजिए महाभारत से, तो मैं बता रहा हूं कि सभी चेले खड़े हैं और यहाँ गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, और गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी शिष्य को वो बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो ऊपर जो चिड़िया है उसको, उस पर निशाना लगाओ, उस पर बाण छोड़ो, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट टेंस में बता रहा हूं, हालांकि ये पहले हो चुका है, ठीक है। तो वैसे ही अब देखो जैसे वो अर्जुन को बोलते हैं, नाउ अर्जुना शूट्स एन एरो टुवर्ड्स भीष्मस फीट, यानी जब जैसे गीता का युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो अभी उसको बताने वाले लोग, आपने सुना होगा कई बाबा जी के प्रवचन, तो वो बोलते हैं ना कि युद्ध भूमि में खड़े हैं, इस तरफ कौरवों की सेना, इस तरफ पांडवों की सेना, यहां से अर्जुन बाण चलाता है और बाण सीधा भीष्म पितामह जी के चरणों में जाता है, और अर्जुन उनसे विजय होने का जो है आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो इस चीज को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, नाउ अर्जुना शूट्स एन एरो टुवर्ड्स भीष्म फीट, यानी ये जब स्टोरी में खासकर हम बताते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, हालांकि ये चीज पास्ट में हो चुकी है, भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन वो जो चीज है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चलती आ रही है और हम जब स्टोरी बताते हैं तो इस फॉर्म में बताते हैं, तो तब भी हम ये चीज लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें एरर है या नहीं है, तीन ऑप्शन दे दें उनमें एरर बताएं हो, और चौथे में लिखा हो नो इंप्रूवमेंट नीडेड, तो उसका सही आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट नीडेड, बहुत ही अहम। फिर फ्यूचर अरेंजमेंट, कई बार क्या होता है जैसे हमें ये बोलना हो कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि राष्ट्रपति जी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए निकल रहे हैं कल, ठीक है। लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसे इंग्लिश में लिखेंगे द प्रेसिडेंट लीव्स, इसे कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखेंगे, इसे सिंपल वाले प्रेजेंट में ही लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखेंगे, प्रेजिडेंट लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया टुमारो, टुमारो इसका मीनिंग क्या है, इसका यही मीनिंग है द प्रेजिडेंट विल लीव फॉर ऑस्ट्रेलिया टुमारो। अब कल को आपको ये दे दिया जाए और बोले कि इसमें एरर स्पॉट कीजिए, और तीन ऑप्शन दे दिए ऊपर, ठीक है, जिसमें एरर दिया हुआ है, एक नीचे दिया हुआ है नो इंप्रूवमेंट नीडेड, तो इसमें भी नो इंप्रूवमेंट नीडेड सही होगा, द प्रेजिडेंट लीव्स फॉर इंडिया टुमारो, ठीक है, या हम बोल सकते हैं द पीएम लीव्स फॉर यूएसए टुमारो, यानी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो अमेरिका के लिए कल निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द प्रेसिडेंट या पीएम लीव्स फॉर फलाना कंट्री टुमारो। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस की दूसरी कैटेगरी है। अब ये चीज क्या बताता है, ये पहले तो एक ये चीज बताता है जी, एन एक्शन इन प्रोग्रेस दैट इज टेम्परेरी, एक्शन इन प्रोग्रेस मतलब कि ये चीज हो रही है, जैसे मैं बोलूं रीना इज प्लेइंग इन द रेन, रीना अभी बारिश में खेल रही है और ये टेम्परेरी है, अब रीना सारा टाइम थोड़ी ना बारिश में खेलती रहेगी, क्योंकि वर्षा भी जो है सारा टाइम तो होती नहीं रहेगी, और रीना भी है, अगर सारा टाइम मान लो, अगर हम मान भी ले कुछ समय के लिए जो रीना जो बारिश में खेल रही है तो सारा टाइम थोड़ी ना खेलती रहेगी, उसे और भी बहुत काम है। इट्स पेल्टिंग आउटसाइड, देखिए इसका मतलब पेल्टिंग आउटसाइड मतलब बहुत जोर से वर्षा हो रही है, अभी रेन हो रही है लेकिन टेम्परेरी है ना, बाद में तो रुक जाएगी वर्षा, लेकिन अभी हो रही है, ठीक है। या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर एक्शन डिनोट करने के लिए भी कर सकते हैं, कैसे, मान लीजिए मुझे कल सिनेमा जा रहा है जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कल मूवी देखने जा रहा हूं, ठीक है, हालांकि कल वर्ड हमने ऐड कर दिया, ठीक है, जा रहा हूं बोल रहा हूं लेकिन होना ये फ्यूचर में है, तो वैसे ही आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमोरो, होना फ्यूचर में है लेकिन हम प्रेजेंट में भी इसे कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए,
गुरजंट एंड दीपक आर कमिंग टू पंचकुला नेक्स्ट मंथ। गुरजंट और दीपक नामक दो दोस्त मेरे, वो पंचकुला में अगले महीने आ रहे हैं, अभी आए नहीं हैं, अगले महीने आएंगे। तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, मान लीजिए इसी वाक्य को मैं हिंदी में इसका रूपांतर करूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा ना, गुरजंट एवं दीपक अगले महीने पंचकुला में आएंगे, बोल सकता हूं, ठीक है। और अगर इस सेंटेंस का बिल्कुल रूपांतरण करना है तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूं, गुरजंट एवं दीपक अगले महीने पंचकुला आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डायरेक्ट उसी को कन्वर्ट कर दिया मैंने इंग्लिश में, आ रहे हैं को। हालांकि इसे ये भी लिख सकते हैं विल कम टू पंचकुला नेक्स्ट मंथ, तो वैसे हम हिंदी में वो भी बोल सकते हैं कि वो आएंगे अगले महीने। तो दोनों फॉर्म सही है, विल वाली भी सही है, ये वाली भी, लेकिन विल वाली होगी फ्यूचर टेंस में, ये वाली होगी प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, यूज वर्तमान काल होगा। हाउएवर ये बताएगा, डिनोट क्या करेगा, फ्यूचर एक्शन, जो एक्शन भविष्य में होने वाला है। कॉन्टिन्यूअस टेंस विद ऑलवेज इज यूज टू एक्सप्रेस एन आइडिया विच इज नॉट लाइक्ड बाय द स्पीकर, ठीक है। जहां ऑलवेज शब्द यूज हुआ हो और उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी आईएनजी फॉर्म यूज हुआ वर्ब का, डूइंग, रेनिंग, हैविंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, फाइटिंग, ठीक है, तो वो यूज हुआ हो ऑलवेज शब्द के साथ, ऑलवेज आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है टेंस में, तो वो कई बार क्या एक्शन डिनोट करने के लिए होता है, वो एक्शन जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, जो एक्शन उस वक्ता को अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लो मुझे ये बात अच्छा नहीं लगती, मेरी बात, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि जो मेरा पड़ोसी है वो अपनी जो है अर्धांगिनी से हमेशा लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको इंग्लिश में, ही इज ऑलवेज फाइटिंग विद हिज वाइफ, वो तो अपनी वाइफ से हमेशा लड़ता रहता है, ठीक है। अब इसकी एक्सेप्शन है दोस्तों, बहुत बढ़िया बात आपको बताने वाला हूं। आपने मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाए होंगे, सब कुछ खाया होगा, ठीक है, मैकडोनल्ड्स में और भी बहुत चीजें आती हैं, तो उसकी टैगलाइन होती है वैसे, आई एम लविंग इट। हालांकि मैं आपको बताऊं, ग्रामेटिकली ब्रिटिश ग्रामर, हम इंडिया में ब्रिटिश ग्रामर फॉलो करते हैं, ब्रिटिश ग्रामर के हिसाब से लविंग शब्द यूज नहीं हो सकता, गलत है, हमेशा आपको यूज करना होगा आई लव इट, ठीक है दोस्तों। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन टाइप के वर्ब्स को, जैसे लव हो गया, ठीक है, और हेट हो गया या लाइक हो गया, तो इन वर्ब्स को हम स्टैटिक वर्ब्स बोलते हैं। स्टैटिक वर्ब्स के साथ कभी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, ठीक है। तो अगर मैं कुछ मान लीजिए मैं बहुत ही अच्छा पेय जल पी रहा हूं, मतलब कुछ शरबत पी रहा हूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आई एम लविंग इट, तो मैं बोलूंगा आई लव इट, मुझे अच्छी लगी ये शरबत, या मैं इंजॉय कर रहा हूं इस शरबत को, लेकिन उसको इंग्लिश में हम ऐसे नहीं लिखेंगे आई एम लविंग इट, बिल्कुल हिंदी रूपांतर नहीं कर देना है इसमें, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे आई लव इट, ठीक है। आपने इंग्लिश फिल्मों में भी देखा होगा, एकदम बोलते हैं आई लव इट, कोई नई चीज देखते हैं तो वो, या कुछ खा पी रहे हो तो बोलते हैं हम आई लव इट, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो हम स्टैटिक वर्ब होता है, और वो उस स्टैटिक वर्ब्स के साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज कर सकते, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते दोस्तों। अब तीसरी कैटेगरी आती है इनके दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसको हम प्रेजेंट जो है परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहां ये लिखा है कि इट इज डिनोट यूज्ड टू डिनोट अ सर्टेन एक्शन दैट इज ऑलरेडी कंप्लीट, जो अभी अभी हुआ है इन द पास्ट बट हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट, यानी कि अब मैं मूवी तो देख आया पहले, ठीक है, लेकिन उसका अभी भी ये चीज है ना, अगर कोई मुझे पूछे भाई मूवी देखने चलेगा तो उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में ना, नहीं भाई मैं तो पहले ही देख आया, मैं तो ऑलरेडी देख चुका हूं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑलरेडी देख चुका हूं, जिस चीज को आप चुका हूं में एक्सप्रेस कर सकते हो वो क्या होती है, वो होती हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे सीन, ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ही हैज मेड 12 सेंचुरीज नाउ, मान लो कोई बैट्समैन है, उसने 12 शतक बना दिए हैं, तो वो शतक तो उसने 12 शतक पहले बना दिए, लेकिन उनका अभी तक इफेक्ट प्रेजेंट में भी है ना, अभी 12 शतक बना चुका है वो, ठीक है, तो बना चुका है जहां आएगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इसलिए भी कर सकते हैं वो चीज के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताना हो, पॉइंट ऑफ टाइम कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सागर हैज नोन मी फॉर 2 मंथ्स, सागर को मुझे जानते हुए 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है, सागर को
को मुझे जानते हुए 2 महीने हो चुके हैं, सागर हैज नोन मी फॉर 2 मंथ्स, यानी वो उसने मेरे को जब पहली बार जाना तो 2 महीने थे, 2 महीने पहले का वो समय था, ठीक है, या 2 मंथ्स पॉइंट ऑफ टाइम आ गया ना। और सागर क्योंकि अभी भी जानता है, ऐसा तो है नहीं कि उसने 2 महीने मुझे पहले जाना और अब जान नहीं रहा है, ठीक है। तो सागर हैज नोन मी फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। दूसरा है मिस्टर गुप्ता हैज बीन द रिचेस्ट मैन ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट सिंस 2002। जो मिस्टर गुप्ता हैं वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के, हमारे जिले के सबसे अमीर आदमी हैं 2002 से, यानी कि अभी भी मिस्टर गुप्ता जो हैं 2019 में हमारे जिले के सबसे अमीर आदमी हैं, ठीक है। हालांकि सबसे अमीर आदमी वो कब से बन चुके थे, 2002 से, लेकिन अभी भी है ना, और ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज है, हम थोड़े क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्या कैसे होगा, ठीक है। अब इसका क्या आंसर होगा, बसेस रन या हैव रन ऑन दिस रोड एवरी आवर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बसेस रन, क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है ना, प्रैक्टिस में हो रहा है, हमेशा हो रहा है, बसेस इस रोड पर चलती रहती हैं, बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। ये तो नहीं हो सकता कि हर घंटे बस जा चुकी है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करके सही क्या होगा, बसेज रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आप हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या अपनी पंजाबी में या हरियाणवी में कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं वो चीज, ठीक है, और उसके हिसाब से सही बैठेगा, मैक्सिमम केसेस में ये सही बैठता है वो चीज, ठीक है। तो आपको आंसर इंग्लिश सीखने का बहुत ही बढ़िया माध्यम बता रहा हूं, ठीक है। फिर आई लव या आई एम लविंग दिस बुक बाई मिस्टर शशि थरूर, तो इसका क्या होगा, इसका होगा लव। मैंने आपको बताया स्टैटिक वर्ब है, कभी भी लविंग नहीं आता है, मैकडोनल्ड वाला एग्जाम्पल दिया ना, बर्गर वाला दोस्तों। दूसरा है आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो या आई गो टू द सिनेमा टुमारो। ये बहुत सारे लोग ना बोलते हुए ये गलती करते हैं, हमेशा ये बोलते हैं आई गो टू द सिनेमा टुमारो, जबकि ये गलत है, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो। हमने पढ़ा ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है फ्यूचर एक्शन को डिनोट करने के लिए भी यूज होता है, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, ठीक है। फिर दूसरा आप लास्ट एग्जाम्पल दीजिए, आई एम गोइंग टू द सिनेमा एवरी डे या आई गो टू द सिनेमा एवरी डे। तो इसमें भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं यार, ये बहुत पेचीदा सवाल होता है। इसका सही आंसर होता है आई गो टू सिनेमा एवरी डे, मैं रोज जाता हूं, ये तो प्रैक्टिस की बात है, हैबिट की बात है, मैं रोज जाता हूं जी, मैं रोज ऐसे लिखता हूं, मैं रोज सिनेमा जाता हूं, मैं रोज जॉगिंग पे जाता हूं, मैं रोज खाना खाता हूं, ठीक है। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है, अपने वेल विशर्स को भेजिए, ठीक है, और आप इंग्लिश सीखिए और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट बॉक्स में डालिए, बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलता हूँ।